फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। इस चैनल के थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ और स्टूडेंट की जितनी प्रॉब्लम वो स्टडी करते टाइम फेस करते हैं, मैं उसको डिस्कस करने के साथ साथ उससे कैसे डील करना है उसको भी इसी चैनल पर आप लोगों को बताती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक है। पिछले के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही डिस्कस किए हैं ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जिसको हम डिनोट करते हैं ये सिंबल से। इस सिंबल को हम क्या कहते हैं? साई कहते हैं, बहुत लोग साई कहते हैं। तो इसका अलग अलग प्रोनंसिएशन हो सकता है, आप लोग अपने तरफ से कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक, तो हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती क्या है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ अ बाउंडेड एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इट्सेल्फ। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को डिफाइन करते हैं किसी भी बाउंडेड एलिमेंट की ऐसी टेंडेंसी जो अट्रैक्ट कर सके शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन को, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि शेयर्ड हों उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके टूवर्ड इट्सेल्फ, उसी को हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इफ़ एन एलिमेंट इज़ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन द अदर, अगर कोई एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है दूसरे वाले से, इट पुल द बाउंडेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इट्सेल्फ, तो वह अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। एंड दिस पुल कॉजेज चार्ज सेपरेशन, और इसी खिंचावट की वजह से एक चार्ज का सेपरेशन होगा, तो उसी को हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के टर्म में डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, हाइड्रोजन एक फ्लोरीन दोनों एक बॉन्ड से बंधे हुए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। खिंचावट की वजह से उसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आगे देख लेते हैं कैसे डिटरमाइन करेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को। सबसे पहले इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को डिटरमाइन करने के लिए पहली स्केल आई, वो पॉलिंग स्केल थी। ठीक, पॉलिंग्स बॉन्ड एनर्जी मेथड भी इसे कहते हैं। ये 1932 में आया था। मैं आप लोगों को वही रेलेवेंट टॉपिक्स पढ़ाती हूँ जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ाती हूँ, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही तो एग्ज़ाम में आना ही है ना। तो देख लेते हैं आगे इसमें क्या है। इन दिस मैथड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज़ कम्प्यूटेड बाई कोवेलेंट बॉन्ड एनर्जी। इस मैथड में जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निकाली जाती है कोवेलेंट बॉन्ड एनर्जी के थ्रू निकाली जाती है। तो देख लेते हैं, ये ए एलिमेंट है, ये बी एलिमेंट है, दोनों एक बॉन्ड से बंधे हुए हैं, जो बॉन्ड का नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी का दोनों का मॉड इज इक्वल टू 0.208। इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ ए बी माइनस हाफ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ ए ए ए के बीच में बनने वाला कोवेलेंट बॉन्ड प्लस कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ बी बी, अर्थमेटिक मीन होता है इसका। ठीक, तो इसको हम एक अलग तरीके से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी का मॉड 0.208 रूट में कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ ए बी माइनस, अब ये जो ये हाफ था ये ऊपर चला जाएगा, ये अरिथमेटिक मीन था तो अब ये ऊपर गया तो ये ज्योमेट्रिक मीन बन जाएगा। ये इसमें देखिए ये वाला फॉर्मूला मोस्ट यूजुअल होता है। ठीक, अब हम एक एक टर्म को लिख देते हैं क्या क्या ये डिफाइन करता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब साई ए क्या डिनोट करता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एटम ए। इसी तरह साई बी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एटम बी, और ई ए बी क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ ए बी, और ई ए क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ ए ए। सिमिलरली ई बी बी क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ बी बी। आगे देख लेते हैं इसमें, पॉलिंग स्केल के बाद सेकेंड हमारे पास आया मोलिकिन्स मैथड, 1934 में ये आया था। इसमें क्या था? मोलिकिन डिफाइंड द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एन एटम एज द अर्थमेटिक मीन ऑफ इट्स आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसमें कह रहा है आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अर्थमेटिक मीन है, मतलब डिवाइडेड बाय टू है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी कह लो या आयनाइजेशन पोटेंशियल कह लो प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अर्थमेटिक मीन है, हाफ है उसका।
आगे देख लेते हैं. वन मोर रिलेशनशिप गिवन बाय हिम, एक और रिलेशनशिप दिया था. इफ़ द वैल्यूज़ आर गिवन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज, अगर वैल्यूज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है तो उसका एक और रिलेशन है. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए इज इक्वल टू आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इसमें डिवाइडेड बाई टू करते थे लेकिन इसमें 5.6 से डिवाइड करेंगे. व्हेन देयर इज प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन ए बी, जब अगर प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है ए और बी के बीच में तो उसके लिए फॉर्मूला यही होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाई 6. ठीक, और उसको इक्वल कर देते हैं, मतलब ए की आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाई 5.6 और बी की आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाई 5.6. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ बी, जिसे हम एक और फॉर्मूला से डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए माइनस इधर गया तो ये माइनस हो गया इज इक्वल टू 0. अब आप लोग को आगे देख लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे निकालनी है उसका फॉर्मूला है. अगर किलो कैलोरी पर मोल में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निकालनी है तो डिवाइडेड बाई 130 कर देंगे. तो ये दो फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है. जो मैंने पिछले क्वेश्चन फॉर्मूला बताए थे उसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं. फाइंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ क्लोरीन गिवन आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया है 13.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिया है 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ क्लोरीन निकालेंगे, हम जानते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाई 5.6. अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, ये आंसर हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा. लास्ट आंसर कितना आना था 2.966, लेकिन इसको हम राउंड ऑफ करके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं. नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें रिलेशन बिटवीन मोलिकिन्स एंड पॉलिंग स्केल. अब मोलिकिन और पॉलिंग स्केल के बीच में रिलेशन देख लेते हैं. तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ पॉलिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी XP, मतलब XP क्या है, पॉलिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और इज इक्वल टू 0.336 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ मोलिकिन माइनस 0.615. अगर एग्जाम में रिलेशन पूछ लेता है तो आप इसको लिख लीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे. थर्ड देख लेते हैं, कैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को डिफाइन करते हैं. इसमें देखिए स्टार मैंने बनाया हुआ है, मतलब ये काफ़ी बार पूछा जाता है. तो इसको हम पढ़ सकते हैं ऑलरेड एंड रोचाऊ स्केल, जो कि 1958 में दिया गया था. इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को जेड इफेक्टिव के टर्म में इसको डिफाइन करते हैं. ई मतलब इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ई का स्क्वायर, जेड इफेक्टिव ऑफ ए, रेडियस ऑफ ए का स्क्वायर, उसको पूरा डिफाइन करेंगे 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव ऑफ ए आर ए का स्क्वायर प्लस 0.774. एक एक टर्म को डिफाइन भी करना है आप लोग को. आप ऐसे फॉर्मूला मत छोड़ दीजिएगा, आपको जो उसमें लिखा हुआ है उसको नीचे डिफाइन भी करना है. देखिए मैंने अच्छे से डिफाइन भी किया है. एक्स क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए है. ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, जिसकी वैल्यू होती 4.8 इंटू 10^-10 ESU. और क्या लिख सकते हैं, चार्ज के फॉर्म कूलम के फॉर्म में 1.6 इंटू 10^-19 होते हैं. जेड इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है. आर ए क्या है, कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम ए. ठीक, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर. ठीक, मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी साथ साथ प्रैक्टिस कराते चल रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम. ठीक, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आप लोगों को बताते चल रही हूँ. कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ PB एटम बाई ऑलरेड रोचाऊ स्केल, मतलब इसमें आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको किसके थ्रू निकालनी है. ठीक, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोवेलेंट रेडियाई दिया हुआ है, जेड इफेक्टिव दिया है, बस आप फॉर्मूला लगा लीजिए, उसकी वैल्यू रख दीजिए. देखिए इसमें PB कितना 82 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ज़िनॉन 54, 4F14, 5D10, 6X2, 6P2. ठीक, तो पहला हम सिग्मा निकालेंगे. सिग्मा कैसे निकालेंगे, स्लेटर रूल के हेल्प से. अभी मैं आप लोग को स्लेटर रूल नहीं पढ़ाई हूँ लेकिन जल्दी ही पढ़ा दूंगी. तो उसकी वजह से सिग्मा निकालेंगे 76.7 आएगा. फिर जेड इफेक्टिव निकालेंगे, जेड माइनस सिग्मा होता है तो जेड इफेक्टिव हमारा निकल आएगा. आगे देख लेते हैं, इसमें आगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फिर निकाल लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी. अब नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऊपर. पहला है हमारा एटॉमिक साइज़. जो एटॉमिक साइज़ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के, क्योंकि एटॉमिक साइज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के. तो
आप इतना देख लीजिए, बस आप लोगों को ज़्यादा नहीं लिखना है, मैं आप लोगों को बस फॉर्मूला बता दे रही हूँ, बस आप लोग इतना लिख लीजिएगा कि एटॉमिक साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, एंड आप लोग इतनी तो इंग्लिश बना के लिख ही सकते हैं, बीएससी में हैं आप लोग, ठीक। तो मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता देती हूँ, आप लोग एग्ज़ाम में अगर आएगा तो 4-5 लाइन यही बना बना के लिख लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे कैसे डिपेंड करता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट चीज़ है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए इसमें एक चीज़ और बता देती हूँ, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, तो बस आप लोग यही लिख लीजिएगा कि व्हेन जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑल्सो इंक्रीजेस, एंड व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीजेस जेड इफेक्टिव इज ऑल्सो इंक्रीजेस। ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर आएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो ऑक्सीडेशन भी स्टेट बनेगा। क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू हायर पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर चार्ज जो होता है ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ इनर सेल, जब जितना ज़्यादा सेल होगा उतना ज़्यादा साइज होगा, और सेल जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, अगर सेल बढ़ा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो जाएगी, ठीक, क्योंकि जितना ज़्यादा शेल होगा तो अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा, जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी तो शेल कम होना चाहिए, तो यही चीज़ है। आगे देख लेते हैं, इसमें पांचवा पॉइंट है चार्ज ऑन द एटम, कैटायन हैज़ हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और एनायन हैज़ लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मतलब जो कैटायन होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव शो करता है और जो एनायन होता है वो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। सिक्स्थ पॉइंट है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, कि मतलब कैसा हाइब्रिडाइजेशन का टाइप होगा, इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेज एज द एस कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिट इंक्रीज है, जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी तो एस कैरेक्टर हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, हेंस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज लेस देन sp2। इसमें क्या कह रहा है, जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी sp2 से, और उसकी sp2 की कम होगी sp से, मतलब सबसे ज़्यादा किसकी होगी, sp की ज़्यादा होगी, 50% आयनिक कैरेक्टर शो करता है, एस कैरेक्टर शो करता है, ठीक। फिर किसकी होगी, sp2 की होगी, फिर sp3 की होगी। ये काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछ लिया करता है किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी, कौन सी हाइब्रिड ऑर्बिटल की, sp की, sp2 की, sp3 की। नेक्स्ट चीज़ हम देख लेते हैं कि पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, देख लेते हैं पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन पीरियड मतलब पीरियड में जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अलॉन्ग अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज द साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेस। इसमें क्या रहा है, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज ऑफ एटम डिक्रीज होने लगता है, ठीक। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, एलिमेंट दिया हुआ है यहाँ पर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दी है, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लिथियम की 1 होगी, बेरिलियम की 1.5 होगी, तो देखिए 0.5 सब में इंक्रीज हो रही है। अब हम ग्रुप में देख लेते हैं, इन ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम एज द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी नीचे, ऊपर से नीचे आने में, और क्योंकि एटम का जो साइज़ होता है वो इंक्रीज होने लगता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम आने में, ठीक। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज, एलिमेंट देख लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेडेंशियम, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देख लीजिए 1 है, फिर 0.9 है, फिर ऐसे है कम होती जा रही है। अब एक चीज और देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया करता है कि एप्लीकेशन बताओ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, ये भी पूछ लिया करता है। तो पहला एप्लीकेशन है नेचर ऑफ बॉन्ड के ऊपर, जब व्हेन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी होगी, तो क्या होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड शो करेगा। नेचर कैसा होगा उसका, नॉन पोलर होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक। जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी 1.7 के इक्वल होगी, तब क्या करेगा, 50% आयनिक होगा, वो 50% कोवेलेंट होगा। जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी का डिफरेंस लेस देन 1.7 होगा, तो 50%
आयनिक से कम होगा ये, और कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा 50% से। जब उससे ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा 1.7 से, तो आयनिक कैरेक्टर इसमें ज़्यादा होगा 50% ज़्यादा से, और कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें 50% कम होगा। अब आगे चीज़ देख लेते हैं, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे डिपेंड करता है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 100 ब्रैकेट में 0.16 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी प्लस 0.035 एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है, और इसका एक और फॉर्मूला है कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए 16 लिख दो यहाँ पर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस 3.5 एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर। ठीक, आगे देख लेते हैं इसमें, ये ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग को बता दे रही हूँ कि कभी एग्ज़ाम में आ गया तो आप लोग इसको लिख सको। अगर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर पूछ लिया करता है कि बताओ किसका सबसे ज़्यादा है, एच एफ की, एस सी एल, एच बी आर, एच आई का, तो ऐसे ही हम इससे निकाल लेंगे हमारे फॉर्मूला से। आप याद भी कर सकते हैं कि इसका 43% होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर 57% होता है। एक चीज़ आप लोग याद कर लीजिए और दूसरे वाली चीज़ को 100 से माइनस कर दीजिएगा, तो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर निकल आएगा। अब हम स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड के बारे में देख लेते हैं। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस की वैल्यू होगी, ग्रेटर इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड, उतना ज़्यादा बॉन्ड हमारा स्टेबल होगा। देखो इसमें कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस 1.9 है, तो एच एफ बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका 0.9 है, फिर एस सी एल होगा, फिर एच बी आर होगा, फिर एस सी एल होगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होगा, उतना ज़्यादा बॉन्ड हमारा स्टेबल होगा, तो हम लिख सकते हैं कि एच एफ इज़ मोर स्टेबल। चौथा पॉइंट इसमें देख लेते हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, एलिमेंट विथ लोअर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आर मेटल्स वाइल ऑफ हायर वैल्यूज़ आर नॉन मेटल। मतलब इसमें कह रहा है कि ऐसे एलिमेंट जिनकी कम वैल्यू होती है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मेटल्स की होती है, फिर वाइल ऑफ हायर वैल्यू आर नॉन मेटल। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है तो वो मेटल होते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है तो वो नॉन मेटल होते हैं। ठीक, वही चीज़ कह रहा है, ये नॉन मेटल हो गए, ये मेटल हो गए, आप लोग देख लीजिए इसका। एसिड बेस कैरेक्टर की बात कर रहा है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द नॉर्मल ऑक्साइड्स इंक्रीजेज, हमारा एसिडिक कैरेक्टर नॉर्मल ऑक्साइड का बढ़ता जाता है। जैसे हम लेफ्ट से राइट गए तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया, तो जब हम राइट टू लेफ्ट आएंगे तो हमारा बेसिक कैरेक्टर बढ़ गया, तो वही चीज़ इसमें कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कलर ऑफ सॉल्ट के ऊपर कह रहा है, इफ़ आयनिक कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड अगर 20% से कम है तो वो कलर कंपाउंड शो करेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए कि क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया करता है कि 20% से कम है तो कैसा कंपाउंड, मतलब कैसा कलर शो करेगा, तो वो कलर कंपाउंड शो करेगा। अगर 20% से हमारा ज़्यादा है, मतलब वो वाला कलर वाला आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है 20% से, तो वो कलरलेस हो जाएगा। अगर बहुत कम है 20% से, कलर्ड होगा, येल्लो होगा, ऑरेंज होगा, तो रेड और ब्लैक शो करेगा। ठीक, आगे देख लेते हैं इसमें, आगे बॉन्ड एंगल के ऊपर दिया गया है, कंपाउंड दिया गया है NS3, PS3, AS, S3, SBS3, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी इसकी दी गई है, तो उसका बॉन्ड एंगल दिया गया है। बॉन्ड एंगल हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। सो गाइस, ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाती रहूँगी इसी चैनल पे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग इतना जान लीजिए कि मेरी हर वीडियो 5 बजे आती है, तो आप 5 बजे ऑनलाइन रहिएगा और मेरी हर वीडियो को देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहती है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, मुझे बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। बस, गुड बाय।